साल में हम दो राष्ट्रीय त्योहार प्रोग्राम खुशी के दिन मनाते हैं, एक 15 अगस्त है, दूसरा 26 जनवरी है। सवाल ये है कि ये दो कौन से दिन हैं? ये भी एक बहुत बड़ी समझने की बात है। मैंने एक मुसलमान मजमे में सवाल किया कि भाई 26 जनवरी है क्या चीज? तो मैं आपकी फिक्रों को बेदार करने के लिए जवाब दूं, वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि 26 जनवरी है कि हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो मैंने फौरन उनको अदब से सवाल किया कि 26 जनवरी को भारत देश आजाद हुआ था तो अब ये बतलाइए कि 15 अगस्त कौन सा दिन है? तो वो बेचारे खामोश रह गए, आपस में एक दूसरे के पूछने लगे कि ये तो बड़ा भारी सवाल है। इसीलिए बहुत अहम चीज समझनी है, 15 अगस्त है क्या चीज और 26 जनवरी है क्या चीज। हजरत, ये आपकी वेस्टर्न पार्क सोसाइटी है, मैं समझता हूं कि इसके कुछ दस्तूर होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई बंधारण होगा, कुछ कानून होंगे, कुछ जाब्ते होंगे इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में, इस पार्क में रहने वालों के वास्ते। अगर कानून न हो, दस्तूर न हो, संविधान न हो, कॉन्स्टिट्यूशन न हो, तो सारा निजाम बिगड़ जाता है, धरहम बरहम हो जाता है। कोई मस्जिद बनती, मदरसा बनता है, अंजुमन बनती है, कमेटी बनती है, तो पहले उसके रहनुमा उसूल बनते हैं, कानून बनते हैं, दस्तूर बनता है, फिर उसके मुताबिक वो कमेटी चलती है, मदरसा चलता है, अंजुमन चलती है। हजरात, इतना बड़ा मुल्क है भारत, उसका नाम है, उसको अंग्रेजी में इंडिया भी कह देते हैं। ये हमारा भारत देश, इंडिया, इतना बड़ा देश, तो उसके लिए कुछ कानून होंगे, कुछ कायदे होंगे, कुछ रहनुमा उसूल होंगे। जिस कानून पर, जिस रहनुमा उसूल पर ये मुल्क चलता है, भारत चल रहा है, इंडिया चल रहा है, उसी को संविधान कहते हैं हिंदी में, उर्दू में दस्तूर मुल्क कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और हमारी गुजराती भाषा में उसको बंधारण कहा जाता है। मुसलमानों, बहुत अहमियत के साथ इन बातों को समझ लो। 1947 में, 15 अगस्त को हमारा देश भारत इंडिया आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, दस्तूरुल अमल नहीं था। जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ वो 15 अगस्त थी, 1947 थी, रात को 12 बजे मुल्क की आजादी का ऐलान हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की चीज अभी नहीं थी, अपना दस्तूर नहीं था, अपना संविधान नहीं था। 1935 में इंडिया एक्ट जो तैयार हुआ था, उसी के मुताबिक आजादी के बाद हमारा मुल्क चलना शुरू हुआ। और आपको मैं बतलाऊं, मुल्क आजाद 1947 में हुआ, उसके बावजूद भी हमारा मुल्क एक एतबार से
अंग्रेजों का गुलाम बाकी रहा था। राजा जॉर्ज पांचवा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजा था, उसी की मातहती में हमारा मुल्क समझा जाता था। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसरॉय इस मुल्क में आए थे, वो 1947 की 15 अगस्त के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मुकर्रर हुए, और मुल्क आजादी के बाद भी अभी राजा जॉर्ज की गुलामी में, लॉर्ड माउंटबेटन की गवर्नर जनरली में चल रहा था। अगस्त की 15 तारीख को आजादी हुई, अगस्त का महीना गुजरा, सितंबर का महीना आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर का महीना आया, 29 नवंबर 1947 में हमारे मुल्क में दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण बनाने के लिए एक कमेटी मुकर्रर हुई। उस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी ने उनतीस अगस्त को मुल्क आजाद हुआ। 14 दिन गुजरने के बाद 29 अगस्त ही को एक कमेटी बनी, और ये कमेटी बनी थी मुल्क का संविधान दस्तूर बनाने के वास्ते। इस कमेटी ने दस्तूर का एक खाका मुसवद्दा मुरतब करने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने मेहनत की, और नवंबर के महीने में मुल्क के दस्तूर का, संविधान का एक मुसवद्दा तैयार किया, और तैयार करने के बाद मुल्क की पार्लियामेंट के सामने रखा। तय ये किया गया कि 166 दिन तक बहस होगी, और बंधारण दस्तूर के ऊपर डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बासो मुबासा करने के लिए 166 दिन तक बंधारण कमेटी की, दस्तूर कमेटी की एक आम मीटिंग होगी, जाहिर सभा होगी। लेकिन उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन तक उस दस्तूर साज कमेटी ने मुकम्मल मेहनत की, बासो मुबासा किया, और मुल्क के दस्तूर को वो शकल दी जो शकल इस वक्त मुल्क के दस्तूर की है। उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में पूरे मुल्क में से 308 मेंबर थे दस्तूर बनाने वाली कमेटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के हर सूबे में से, स्टेट में से, राज्य में से मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया गया था। उनके नाम मेरे पास मौजूद है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दाढ़ी टोपी वाले मौलवी भी थे दस्तूर साज कमेटी के अंदर। 308 जो मेंबर थे बंधारण की जाहिर सभा में, उसमें कुछ मौलवी भी थे, मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद कौमो मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह। इन मौलवियों की मेहनत की बरकत से इस मुल्क का दस्तूर संविधान इतना अच्छा और इतना प्यारा बना कि इस वक्त हम यहां खुले मैदान में दाढ़ी टोपी कफनी इस्लामी शियार के साथ बैठे हुए हैं। पूरे यकीन के साथ कहता हूं, ये इस्लामी शियार
اسلامی لباس، اسلامی تشخص، اذان کی آوازیں، یہ مدرسے، یہ مسجد، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اجتماعات، یہ سب برکت ہے اس بات کی کہ اس دستور اور بندھارن بنانے والی کمیٹی کے اندر تین مولوی تھے، اور ان علماء کرام نے اس ملک کا دستور اتنا شاندار بنایا کہ اس ملک میں آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر زندہ اور سلامت ہیں. اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ تمام تر دینی شعائر کی حفاظت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک میں باقی رکھیں گے. بزرگوں، 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد بہت دھیان سے اتہاس سمجھئے، 24 جنوری 1950 کے دن یہ 308 ممبروں نے ملک کے دستور کی ہندی اور انگریزی کاپی کے اوپر دستخط کیے، اور یہ ہمارا دستور مکمل ہوا. 2 دن گزرنے کے بعد 26 جنوری آئی 1950 میں، اس دستور کو ملک میں قانونی شکل کے اندر رائج کیا گیا، جاری کیا گیا اور اس کو عام کیا گیا ہے. 26 جنوری 1950 کے دن جب ہمارا دستور اس ملک میں قانونی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو گورنر جنرل آف انڈیا تھے، ان کی گورنر جنرلی ختم ہوئی اور سب سے پہلے بھارت کے راشٹرپتی، صدر جمہوریہ، پریسیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرساد مقرر ہوئے. 1947 کی 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں، گجراتی میں سوتنت دیوس کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈے کہتے ہیں انگریزی میں. اور 26 جنوری جس دن ہمارے ملک کا دستور قانونی شکل میں 1950 میں ملک کے سامنے آیا، اس کو ہم ریپبلیکن ڈے انگریزی میں کہتے ہیں، یوم جمہوریہ اردو میں کہتے ہیں، اور ہماری گجراتی زبان میں گن تنتر دیوش اس کو کہا جاتا ہے.